हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको इनइक्वालिटी के इधर और केस का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूँ। और इस केस में आपको मैं एक ऐसा 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 स्टोरी यहाँ पे दिखाऊंगा जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन आप देख रहे हो, और जो ऊपर में आप देख रहे हैं आपका इनइक्वालिटी, और जो ये रहा आपके सामने स्टेटमेंट और ये रहा आपके कंक्लूजन। और यहाँ पे आपने ये चीज कभी नहीं देखा होगा और पेपर में आप अक्सर ये गलती करके आते होंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि आज के बाद आपसे ये गलती ना हो। मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपके सामने जो कंक्लूजन गिवन है और जो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन को जब मेजर करते हैं तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपके पास गिवन है वो गिवन है क्या M, M का रिलेशन किससे गिवन है? पूरी दुनिया से गिवन है। लेकिन कंक्लूजन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं यहां पे, कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो M का रिलेशन N से गिवन है, M का रिलेशन N से गिवन है। लेकिन स्टेटमेंट में M और N के बीच में सिंबल यहां पे ऑलरेडी अपोजिट हो गया, अपोजिट होने की वजह से ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर कंक्लूजन फर्स्ट भी फॉल्स और कंक्लूजन सेकंड भी फॉल्स। अब इस केस में दोनों में क्या होता है गाइस, यहां पे जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होते हैं दोनों फॉल्स होता है, और इनके बीच में तीनों सिंबल यूज किए जाते हैं। जैसे एम और एन के बीच में यहाँ पे तीनों सिंबल यूज किए गए हैं, कौन कौन से? एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन फॉल्स है, एम लेस देन एन फॉल्स है। तो इस केस में आपका इधर और बनेगा। क्या ये बात आपको पहले से पता थी? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये एक नया कॉन्सेप्ट है। थैंक यू गाइस, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।